हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी का नाम है अप एंड डाउन। दोस्तों ये एक लिव द फ्लैग बुक है, पर ये अपोजिट है। हाँ, ये अपोजिट लिव द फ्लैग बुक है। तो चलो, इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग है डेजी। चलो फिर ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्या है। स्टोरी शुरू करने से पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बटर टीज पेन डाउन नाइट एंड डे नाइट एंड डे। देखो पेपा और जॉर्ज खेल रहे हैं। शायद जॉर्ज का डायनासोर नहीं मिल रहा है ना। हाँ, इसलिए वो रो रहा है। Sad. Happy. इसे उसका डायनासोर मिल गया। ये क्या? मुझे लगता है ये पिकनिक में जा रहे हैं। तभी ये बास्केट तो एम्प्टी है। पर उन्होंने भर दिया। ओह, ये तो बंद है। खोल के पापा उसमें से जूस निकालेगी। वाव, ये अपोजिट लिव द फ्लैग बुक तो बहुत ही मजेदार है। ये क्या? ये तो बड़ा वाला क्वैक है। और ये छोटा वाला। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखो पेपा जॉर्ज कितनी जल्दी जा रहे हैं। और डैडी पिग कितने पीछे हैं। शायद वो पेपा और जॉर्ज को बोल रहे हैं उनके लिए भी रुको। ये गार्डन कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, कितना बड़ा भी है। देखो तो कितने सारे झूले हैं। हाँ लिली, मुझे झूले बहुत पसंद है। मुझे भी। ये देखो मम्मी पिग और जॉर्ज को देखो, वो लोग अपना खाना खा रही है। और पापा और डैडी पिग झूल रहे हैं। डाउन अप डाउन अप। वाओ, ये देखो बड़ा छोटा। ये देखो उधर डैनी डॉग भी है, वो भी खेलने आया है। अक्सर बच्चे पार्क में खेलने आते हैं लिली, जैसे हम लोग भी जाते हैं कभी कभी पार्क में खेलने, है ना। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है पार्क में। मुझे भी। ये देखो ये बादल लाइट है और ये डार्क है, मतलब कुछ समझ रही हो। हाँ, इसका मतलब बारिश आने वाली है। हाँ, और तो लिली क्या ये तो घर जाने वाली है। नहीं, अभी बारिश होएगी। तो मतलब मरे पदर्स। हाँ, जो इन्हें बहुत पसंद है और हमें भी। हाँ, ये देखो मजी पदर्स बारिश आ गई। सब कितने खुश हो गए। देखो डक्स भी आ गई। डक्स तो हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ बारिश होती है, क्योंकि उन्हें रेन्स बहुत पसंद होती है। हाँ, वो लोग भी मरी पदर्स में खेलते हैं, पापा और जॉर्ज, डैडी पिग और मम्मी पिग की तरह। सनी और रेनी। तो दोस्तों इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अप एंड डाउन अपोजिट लिव द फ्लैग बुक शायद आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स सीखे। हाँ, जैसे कि सुबह रात और छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ये सारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो हमने इस बुक में पढ़ा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और डेज़ी और लिली के साथ। बाय बाय।